अस्सलाम वालेकुम जी फैमिली, कैसे हो आप सब जनाब। आज मैंने बड़ा खूबसूरत सा एक हैवी ग्लैम मेकअप लुक क्रिएट किया है जैकलीन हिल के पैलेट से, और ये मेरा डे टू है मेरे चैलेंज का। मैं 30 लुक्स जो है इसे क्रिएट करने वाली हूँ डिफरेंट किस्म की। आप ईद पे चाहो इसको क्रिएट कर लो, नहीं तो कोविड की शादियाँ घर में चल ही रही हैं, तो आप लोग ऐसा खूबसूरत सा मेकअप अपना खुद का कर सकते हो और अपने घर की शादी से शादी में अपने मेकअप से चार चांद लगा देना, और आपके पैसे भी बचेंगे और आपका जो लुक है वो सबसे डिफरेंट आएगा। शादी चाहे घर में हो, छोटी हो, बड़ी हो, लेकिन हम लड़कियों का तैयार होना इतना ज़रूरी है कि शादी से भी ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए जल्दी से मैंने यहाँ पर मेबेलिन के कंसीलर के साथ अपनी लिड को जो है मैं प्राइम कर लूँगी। बड़ा अच्छा ये कंसीलर है। आप लोग पास कोई भी कंसीलर हो, कोई फाउंडेशन हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपने उसको अपनी लिड्स पर लगा लेना है थोड़ी ज़्यादा मिकदार में, एयर स्पन के स्कोटी एयर स्पन के पाउडर के साथ, या कोई भी आप जो है आपके पास फेस पाउडर हो, लूज़ पाउडर हो, उसके साथ आप लोग सेट कर लें। तो जनाब यहाँ पे 35 ड्रीम कलर्स जैकलीन हिल पैलेट का ये ओरिजिनल पैलेट है। आपको पाकिस्तान में 7-8 हंड्रेड थाउजेंड की रेंज में डिफरेंट ऑनलाइन पेजेस से, या आप तो डिफरेंट आउटलेट्स पे भी आता है, ये आसानी से मिल जाएगा। तो इसका ये बड़े प्रेटी से शेड्स हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले ट्रांजिशन शेड ये मैंने लिया है ब्राउन से कलर में, और रियल टेक्निक के इस ब्लेंडिंग ब्रश के साथ मैं अपने क्रीज एरिया में अप्लाई कर रही हूँ। ये जो लाइट शेड्स होते हैं ना, इनका यही मकसद होता है, ये होते ही ट्रांजिशन शेड्स हैं कि सबसे पहले हमने इन्हीं को अप्लाई करना होता है। इसके बाद जब भी कोई डार्क शेड अप्लाई करेंगे तो उसकी बड़ी अच्छी स्मोकी लुक आएगी। तो देखिए मैंने इसके एजेस को भी ब्लेंड कर दिया था सेम ब्रश के साथ। नंबर सेकंड पे ये थोड़ा डार्क ब्रश लिया है, और ब्रश का साइज़ भी देखिए मैंने छोटा कर लिया है। तो इसको मैंने टैप टैप करके अपने क्रीज एरिया में डेप्थ क्रिएट की है, जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो अगर ब्रशेज़ का सही यूज़ करते हैं ना, ब्रशेज़ के साइज़ का, तो आपका मेकअप तो ऑटोमेटिक आधा जो है आधे से ज़्यादा अच्छा हो जाना है। दूसरा, आपने ब्रशेज़ की एप्लीकेशन देखे, मैंने ब्रश को दूर से पकड़ना है, इसको बहुत सॉफ्टली जेंटली आप लोगों ने अपने स्किन पे टच करना है, ज़्यादा रगड़ रगड़ के, ज़्यादा दबा दबा के नहीं करना। तो ये देखें कितना नाइसली जो है ब्लेंड हो गया, और कितनी ह्यू, कितना अच्छा सा स्मोकी सा लुक आ रहा है। तो चलें जल्दी से हम अपना क्रीज को कट कर लेते हैं। यहाँ पे एक फ्लैट ब्रश बिल्कुल प्रिसाइज सा लेना है, और मैंने सेम कंसीलर लिया है, इसकी मदद से मैं अपनी जो क्रीज एरिया है इसको टैप टैप करके आप लोगों ने कट कर लेना है अपने लिड की शेप में। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, अगर इतना नीट ना भी कटे तो कोई मसला नहीं है। बस आप लोगों का मकसद है कि हमने अपने क्रीज को कट करना है, जब जिसके ऊपर मैं मेटालिक शेड लगाऊंगी तो वो एकदम नीट और बड़ा खूबसूरत सा आएगा। तो लास्ट में जनाब यहाँ पे जो डार्क शेडो है, और सेम छोटू साइज़ का ब्रश लिया है, क्योंकि आप देखें आउटर पार्ट पे हमारी छोटी स्पेस होती है, अगर हम यहाँ बड़ा ब्रश ले लेंगे तो वो तो सारा पहले शेडो इधर उधर फैल जाएगा। देखिए कितना प्यारा आउटर वी पे, आउटर बिल्कुल एज पे, आउटर थर्ड पे आपने इसको टैप 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 करना है, और दोबारा क्रीज एरिया में मैंने हल्का सा जो ब्रश पे बचा खुचा था उसको भी एक दफ़ा लाइन क्रिएट कर दी है। तो मेरे कैमरे की जो है बैटरी डेड हो गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इतनी देर क्या करूं, तो मैंने दूसरा आई मेकअप कंप्लीट कर लिया है। तो ये आई मेकअप का जो लुक है मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर जो पिंक सा मेटालिक शेड है, पिंक नहीं है, बहुत ही खूबसूरत सा मेटालिक शेड है, इसको फिंगर की मदद से पहले मैं लगा लूँगी, जितना एरिया पे मेरे आराम से लग जाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और कैमरे पे इसकी इतनी खूबसूरती नहीं आ रही जितना रियल में आ रही थी। जैकलीन हिल का यही मज़े की बात है कि इसके सारे शेड्स जो मेटालिक हैं, मैट हैं। अच्छा जनाब यहाँ पर ना आपने एक आईशैडो एप्लीकेटर के साथ इसकी जो एज है इस लाइन को नीट कर लेना है सेम शेडो के साथ, और इनर कॉर्नर पे बिल्कुल इसके साथ वाला जो मैंने मेटालिक शेडो लिया है थोड़ा लाइट कलर में है, तो ये हाइलाइटिंग भी हो जाएगी इनर कॉर्नर की और बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा, और आपका एकदम प्रोफेशनल क्या पॉलर से भी ज़्यादा हैवी किस्म का मेकअप होने वाला है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो आउटर पार्ट को थोड़ा सा आप लोगों ने डेप्थ और दे लेनी है, जो सबसे ज़्यादा डार्क शेड थे ना उसी के साथ, और ब्लेंडिंग पे ध्यान देनी है कि कोई हार्श लाइन नहीं रहनी चाहिए आपकी, ठीक है। अब जनाब आज लोअर लैश लाइन पे हम अपना काम कर लेते हैं उसके मैजिक पर। तो ये मैजिक ये है कि आपने जो भर कर जो ब्लैक वाला शेडो था एक फ्लैट ब्रश के साथ मैंने लोअर लैश लाइन पे लगा दिया। देखिए इसे आंख कितनी बड़ी बड़ी, कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी लग रही है। सिग्मा का लॉन्ग वेयर जो है आईलाइनर मैंने यहाँ पे लिया है, तो इसको आप कोई सा भी आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मुझे सिग्मा का पीआर में आया था तो इस वजह से मैं सिग्मा का यूज़ कर रही हूँ, नहीं तो आप मेबेलिन का, एसेंस का, स्वीट टच का, लोकल ब्रांड्स में मिस रोज का, कोई सा भी काजल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने एक छोटू ज़रा और छोटे साइज का ब्लेंडिंग ब्रश लिया था, और डार्क ब्राउन जो शेड है उसी को लेकर मैं इस ब्लैक वाले को जो है नीचे मज करूंगी, स्मोकी लुक हमने लानी है, ठीक है, नीचे वाली तरफ भी जैसे मेरी दूसरी आंख पे नजर आ रहा है ना, वो कितना प्यारा सा लुक लग रहा है।
तो लैक्मे का इंस्टा लाइनर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, जिसका निब मुझे एप्लीकेटर बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा है, और इस लाइनर का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। वाटरप्रूफ नहीं है, बड़े आराम से ये उतर जाएगा, लेकिन इसकी एप्लीकेशन ओ माई गॉड, और ये ड्राई होने के बाद भी एकदम मैट और बड़ा अच्छा लुक आता है, और अफोर्डेबल भी बहुत ज़्यादा था, मुझे मेकअप सिटी से ये मिला था। तो यहाँ पर विंग लाइनर देखिए थोड़ा सा मैं थिक सा लगा रही हूँ, आप लोगों ने आउटर पार्ट से एक लाइन ड्रॉ करनी है, बाद में इस लाइन को मैच कर देना है अपनी लिड के साथ, ठीक है। अब ये इसके जो ब्रश है, इस एप्लीकेटर है, इसके साथ इनर कॉर्नर देखिएगा मैं कितना प्यारा बनाऊंगी। जो दूसरी आंख का मैंने पहले ही बनाया हुआ, वो मेरा थोड़ा सा ख़राब बना हुआ है, मैं पहले ही बता रही हूँ, लेकिन इस आंख का मैंने कैमरे पे बनाया तो कितना क्यूट, कितना प्यारा बन गया है, और इतना नीट बनाया है, देखिए मुझे खुद ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और मैं दूसरे लाइनर का कुछ कर नहीं सकती। अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। ब्राउ बोन को मैंने हाईलाइट कर लिया है, और मसरत मिसबा का यहाँ पे ड्रामा लैश जो है मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। यारो मुझे इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है, आप लोगों ने मेरी मेहनत के लिए मुझे ज़रूर लाइक ज़रूर करना मेरी वीडियो को। यह मेकअप ट्यूटोरियल आप लोगों को कैसा लगा है, हेल्पफुल लगा है? तो ये खूबसूरत जो सी जो लैशेज़ हैं रिदा जैन की मिड नाइट, इनका लो ओ गिर गई, वो बॉक्स मेरे से नीचे गिर गया था। इनका स्टाइल बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारा है, 3D मिंक लैशेस हैं, मिड नाइट इनका शेयर नेम है। आपको मेरा कोड यूज़ करने पर डिस्काउंट भी मिल सकता है। इनकी वेबसाइट आप लोग चेक कर सकते हैं, इनका पेज है इंस्टाग्राम पे। तो यहाँ पे ये देखें कितनी खूबसूरत, इसी से सारा कमाल आया है मेरे आई मेकअप में, और मेरा बेबी रोता हुआ अंदर आ गया है। मेरे पास आओ, मेरा बेटा मेरे पास आओ, बस मेरा वॉइस ओवर एंड होने लगा है। तो टंडा वल्ला, मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया, जो इतना क्यूट लग रहा था, मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों को ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, किसी भी शादी पर किसी भी ड्रेस के साथ आप लोग इसे कैरी कर सकते हैं। और अपना ढेर सारा ख्याल रखना, मैं आपको मिलूंगी एक नई वीडियो में नए मेकअप लुक के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।